स्टूडेंट, आज के इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लेक्चर सीरीज़ में आज हम लोग टूल मोशन पैरामीटर की बात करेंगे। टूल मोशन पैरामीटर एनसी प्रोग्राम बनाने के लिए कई टूल मोशन पैरामीटर इनपुट करने होते हैं, जो टूल पैरामीटर निम्न प्रकार से हैं। फीड रेट यानी कितना आप भरण दे रहे हैं अपने टूल को वर्क पीस के लिए। दूसरा स्पिंडल आरपीएम यानी स्पिंडल का आरपीएम का मतलब स्पिंडल एक मिनट में कितना चक्र घूमता है। दूसरा स्पिंडल स्पीड की स्पिंडल की चाल क्या है। तीसरा लीड रेडियस और चौथा है स्पीड सेंस। ये हमारे सात ऐसे टूल मोशन पैरामीटर हैं जिसे हम डिफाइन करते हैं अपने एनसी प्रोग्राम बनाते समय, सारे टूल मोशन पैरामीटर का ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं, जो ज्यामिति है वो हम कैसे बनाते हैं। तो तकनीकी ड्राइंग तैयार करते समय हम निम्न चरण का अनुसरण करते हैं, यानी द फॉलोइंग स्टेप्स आर गोइंग टू बी फॉलोड टू क्रिएट ज्योमेट्री। नाउ जो सबसे फर्स्ट चरण है यानी चरण एक, सबसे महत्वपूर्ण विचारों को परिभाषित कर ड्राइंग के ऑर्थोग्राफिक दृश्य को केंद्र में रखें तथा आयाम जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ देते हैं। आयाम जोड़ने के लिए मतलब जो अगर हमारा कुछ उसमें एडिटिंग है या कुछ हमारा उसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ नया एडिशन है तो उसके लिए हम उसमें जगह छोड़ देते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विचारों को परिभाषित करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आयाम छोड़ देते हैं ताकि हम उसे उस ड्राइंग को परिभाषित कर सकें। स्टेप टू है कि यदि उत्पाद के हिस्सों में आंतरिक विशेषताएं जटिल हों और उनका आयामीकरण करना कठिन हो तो अनुभाग विचार या विवरण दृश्य को तदनुसार जोड़ने पर विचार करें।